बेगूसराय गरीब के मसीहा पप्पू यादव को पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और रातों रात उनको मधेपुरा पुलिस को सौंप दिया जाता है। गिरफ्तारी के विरोध में पूरे बिहार के लोग पप्पू यादव की रिहाई के लिए अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ता नेता विपक्षी पार्टियों ने भी नीतीश सरकार पर निंदा करते हुए कहा जल्द से जल्द पप्पू यादव को रिहा करें। मटिहानी प्रखंड के बदलपुरा गांव में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक साजिश के तहत जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कोरोना गाइडलाइंस के साथ धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सोनू कुमार सिंह, संचालन पार्टी के जिला महासचिव सुशील यादव ने किया। मटिहानी प्रखंड अध्यक्ष ने कहा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश है, जिसमें चोर को छूट दी गई, एक गरीब के सेवक को जेल भेज दिया गया। पप्पू यादव का दोष केवल इतना है कि वो जनता की दिन रात सेवा कर रहे हैं। वर्तमान राज्य केंद्र की सरकार को तो स्वयं क्यों नहीं आगे आते अगर सेवा से इतनी ही तकलीफ है। पप्पू जी रोड पर क्यों है आज बिहार की जनता पूछती है। मौके पर जिला महासचिव सुशील यादव कहते हैं कि माननीय हाईकोर्ट महोदय इस पूरी राजनीतिक साजिश में हस्तक्षेप करते हुए अविलंब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी को रिहा किया जाए। मटिहानी प्रखंड के अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि पप्पू यादव जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ताकि इस कोरोना काल में जिनका सहारा एकमात्र पप्पू यादव थे उनको पुनः मदद मिल सके। मौके पर उपस्थित श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष गौतम सिंह गंगा ने कहा पप्पू यादव गरीबों के मसीहा थे, पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर लिया अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार ने, एम्बुलेंस चोर को बाहर घूमने दिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संजय यादव, जिला महासचिव सुशील यादव, प्रखंड अध्यक्ष सोनू कुमार सिंह, दीपक गुप्ता, राजकुमार सिंह, छात्र उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार, पंचायत मीडिया प्रभारी केशव कुमार, दरियापुर पंचायत अध्यक्ष दिनेश यादव, मीडिया प्रभारी उमा कुमार, पीयूष कुमार आदि लोगों ने गिरफ्तारी का खुलकर विरोध किया। अगर जल्द रिहा नहीं किया गया तो जेल भरो आंदोलन करने का निर्णय लिया। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। जितनी निंदा की जाए वो कम है, वो गरीब लाचार और गरीबों के मसीहा के रूप में इस बार काम कर रहे थे। गिरफ्तारी तो होनी चाहिए सिर्फ छपरा के डीएम की, राज्य सरकार जुड़ी थी। अब पप्पू यादव को इस तरह से वक्त मुसीबत के वक्त में जब वो गरीबों के लिए मसीहा के रूप में काम कर रहे थे, बहुत ही निंदा का विषय। तो पहले जान लीजिए कि जिस कोरोना महामारी में हमारे राष्ट्रीय पप्पू यादव जी ने जन जन की लोगों की जो समस्या थी वह समस्या का समाधान करने का काम किए, और जो सारण जिला में जो एम्बुलेंस प्रताप रूढ़ी के यहाँ बरामद हुई, जो मीडिया के काम था उन्होंने यह काम की निभाई, और लगातार लोगों की जो कोरोना महामारी में जिस तरीका से पूरे बिहार में खाना का व्यवस्था हो, दवाई का व्यवस्था हो, ऑक्सीजन का व्यवस्था हो, यह सरकार निकम्मी है। हमारा मांग है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को माननीय नीतीश कुमार जी तुरंत रिहा करें, नहीं तो जन अधिकार पार्टी के वो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव जी के लिए है जिनको स्वयं नीतीश कुमार की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। आज एम्बुलेंस चोरी करके कोई अपने घर में रखता है, और जो लोग जनता की सेवा कर रहे हैं उनको जो है सरकार गिरफ्तार करवा रही है। अगर जनता की सेवा करना अपराध है तो हर कोई ये अपराध करना चाहेगा। हम नीतीश सरकार जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप पूरा बिहार पूछना चाह रहा है आखिर ऐसा क्या है। अगर जनता की सेवा करना गुनाह है तो आप कहाँ हैं? क्या इसी कारण थे कि पप्पू यादव रोड पर है और जो सरकार सत्ता में है वो अपने घर पर है? तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी से और केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके अविलंब पप्पू यादव जी को रिहा किया जाए। की सोच वहाँ पे जो और भी वरिष्ठ नेतागण हैं, अब वो किस तरह की प्लानिंग करते हैं ये उन पे निर्भर करता है, लेकिन जनता के लिए जो पप्पू यादव जी का अधूरा काम छोड़ के गए हैं पक्का, अगर उन्होंने लालू जी से या हमारे तेजस्वी जी से कुछ अपेक्षाएं की है तो जब ये कहता हूँ मुझे तो बिहार पर यहाँ इंसाफ पर से तो भरोसा आए उठ गया आम जनता का। आप देखिए गिरिराज बाबू यहाँ क्या करने के लिए आए थे, उनके पास में कौन सा परमिशन था? उनके साथ जितने अधिकारी थे तेघरा हॉस्पिटल में बछवाड़ा में जो पीएससी का वो निरीक्षण कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पालन किया? क्या आपके चैनल पे भी होगा, आपके पास में रिकॉर्ड होगा, वो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया बताइए? तो ये मैं पहले भी बोला जिस बलम भेल कुतबाल ऑर्डर का एका, तो भैया सत्ता है जिसकी
प्रशासन भी उसी की, प्रशासन का अपना कोई वजूद नहीं है, नेता जब चाहे सरकार जब चाहे जिधर मुंह घुमा देंगे घूम जाएंगे, इसमें प्रशासन को भी दोष नहीं मानता हूं। मैं तो पहले बोल दिया अगर मुखिया चोर होगा तो प्रशासन ईमानदार नहीं हो सकता है, समझ गए ना। तो जिला प्रदेश का मुखिया ही है भ्रष्टाचारी है दुराचारी है बलात्कारी है, तो भैया सर तो देख लीजिए हम प्रशासन तो सरकार से क्या मांग करते हैं बताइए। टीचर सरकार से हम क्या मांग करेंगे, लुटेरा सरकार है जघन्य अपराध कर रहा है, काम करने वाले को जेल में डाल रहा है, चोर बदमाश को लेकर के बाहर में घूम छोड़ रखा है, खुले शहर के तरह छोड़ रखा, तो मैं क्या उससे उम्मीद करूंगा, बट कुछ नहीं करता हूं। जिस दिन हमारी सरकार आएगी हमारी उम्मीदें सब पूरी होंगे, गरीब जनताओं के सारी आशाएं जो अपेक्षाएं हैं वो सारी पूरे चैनल हम के माध्यम से पुलिस का स्टेटमेंट आ रहा है, एक वरिष्ठ अधिकारी पुलिस का बता रहा है कि लॉकडाउन तोड़ने के मतलब कोरोना का रूल एक्ट तोड़ने पर उनको गिरफ्तार किया गया है, और आज पता चल रहा है कि 32 साल पुराना केस था, तो 32 साल पुराना केस में अगर उनकी बेल टूटी होगी तो जायज है कि महीना दो महीना पहले टूटा होगा, तो इस चीज़ की जानकारी इनको होनी चाहिए, बात इनको देना चाहिए था, एकाएक कैसे आ गए और कल ही उनको गिरफ्तार करके लेकर के चले गए। ये सरकार की बिल्कुल निकम्मी सरकार का जो है एकदम सोचा समझा एक ये साजिश था, और इस साजिश के वो पप्पू यादव जी शिकार हो गए हैं। इस महामारी में इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है ये काबिले तारीफ है और सराहनीय है, और इसका जवाब जनता नीतीश कुमार को देगी। और एक कहावत कहना चाहूँगा आपको, जब नस मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो नीतीश कुमार जी का जो है नस उनके उस पर छा गया है, इसलिए उनका विवेक अब चौपट हो गया है। लाल निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती।